हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है, आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ अपना जो यूट्यूब जर्नी का जो प्रोसेस है वो शेयर करूँगी, और मुझे कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, मेरा कितना टाइम के बाद मुझे पेमेंट आया, वो सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी। और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो कि हमारे नए नए यूट्यूबर हैं, जिससे उनको थोड़ा सा हिम्मत मिले ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी करना इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अगस्त 9 तारीख को, और 2019। तो बस, और तब से मैं बस वीडियो बना रही थी। वैसे तो मैंने पहले नहीं सोची थी कि मैं कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी। तो मैं पहले बस देखती रहती थी यूट्यूब, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते नहीं थे, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम होता है वो 8-9 दिन या फिर 20-25 दिन इस तरह का हो जाता है। तो वो ना ज़्यादातर घर पर नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहते थे। तो मैं ना अकेली रहती थी तो बोर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था मेरा जो लाइफ था। तो मैंने ना फिर यूट्यूब रेसिपी वगैरह जो होता है ना यूट्यूब पे, वो सब देखना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। तो ना मैं वो सब देखने लगी, तो मुझे अच्छा लगता था वो सब देखना, और ट्राई भी करती थी मैं घर पर। तो ऐसा करते करते ना एक दिन मुझे ना एक यूट्यूबर जो है, एक ब्लॉग वाला जो वीडियो होता है, वो आया मेरे सामने। मतलब कि आप, ऐसा होता है ना कि जब भी आप लोग कभी किसी भी टाइप का वीडियो देखोगे ना, उस टाइप का वीडियो जो है यूट्यूब आपको सजेशन में लाता है, आपके वीडियो के नीचे सजेशन में आता है वो सारा वीडियो। तो ऐसे करते करते ना किसी ब्लॉगर जो है उनका जो वीडियो है वो मेरे वीडियो के नीचे आया। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे क्लिक किया और देखा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो वीडियो देखकर। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी की लाइफ स्टाइल के बारे में अच्छा लगता है जानकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही पसंद आया वो वाला। तो ना मैं उनकी जितने भी पुराने वीडियोस थे ना, वो सब मैं दिन भर में देख दी पूरा। मैंने एक दिन भर में ना मैं सारा वीडियो देख लिया उनका, जितना भी उनका वीडियो था, मुझे उतना अच्छा लगा था उनका वीडियो। तो फिर बस देखती चली गई, और ऐसे देखते देखते ना फिर और भी जितने लोग मतलब ब्लॉग बना रहे थे ना, उन सबका ब्लॉग आया मेरे सामने, मेरे मोबाइल के नीचे वीडियो के नीचे सजेशन में। तो ऐसे करते करते मैं ना सारा जितने भी ब्लॉगर हैं सबको देखती थी। तो ऐसे देखते देखते ना मेरी, वैसे तो मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसा बनाऊं, कभी मैं भी ऐसा करती तो कैसा होता, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं, मतलब कभी लग ही नहीं रहा था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। और ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा, वैसे पैसे का ख्याल तो मेरे दिमाग में पहले नहीं आया था, लेकिन अब है कि मैं 2 पैसे कमाऊंगी, बाद में आया ये ख्याल मुझे। लेकिन फर्स्ट जब मैंने ये सब किया ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगी, ऐसा नहीं था। मुझे मन कर रहा था कि जब भी वो लोग कहते थे ना कि अभी मैं ये डाल रही हूँ, अभी वो डाल रही हूँ, अभी मैं इसको ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तो मुझे बड़ा मन करता था कि मैं भी ऐसे बोलूँ। तो बस ऐसे करते करते ना फिर मैंने ना एक वीडियो, और मुझे सच बताऊं गाइस, मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब में पैसा भी आता है, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये सब दिखाते हैं। रेसिपी वगैरह तो मैं देखती थी, लेकिन ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ब्लॉग बोल के कोई चीज़ होती है, कोई ब्लॉग भी बनाता है, ब्लॉग का मतलब ही नहीं पता था मुझे। तो ऐसे करते करते ना फिर मैंने ना हस्बैंड के मोबाइल पर एक वीडियो बनाया अपना जो खाना पीना बनाते हैं उसी का। अगस्त का महीना था उस टाइम। मैंने वैसे 3-4-5 महीना तक मैंने यूट्यूब देखा, फिर जाके मैंने वो वीडियो बनाया। तो ना उस टाइम मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने ऐसे ही मतलब कहीं पर भी रख कर मैंने वीडियो बनाया, और फिर उसको ना एडिट भी किया। और एडिटिंग करने के लिए ना मुझे बहुत सारे टेक्निकल जो होते हैं
YouTube पर बहुत सारे टेक्निकल चैनल है जिसको जिसको देखकर आप खुद एडिटिंग सीख जाओगे, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको देखो अगर आप लोग चाहती हो बनाना। तो ऐसे करते करते फिर ना मैं जान गई धीरे धीरे। पहले पहले तो अच्छा नहीं बनता था, एडिटिंग भी अच्छा नहीं होता था, फिर धीरे धीरे हो गया। फिर मैंने वीडियो एक बनाया और हस्बैंड को दिखाया कि देखो कैसा बना है, तो अच्छा बना है। लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, क्योंकि वो कहते थे कि मतलब खराब खराब कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, तो इस वजह से वो मना कर रहे थे कि तुम बिल्कुल यूट्यूब पर नहीं आओगी। तो बस ऐसे करते करते फिर ना मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने ना उनको कहा कि नहीं मुझे यूट्यूब पर आना है। तो फिर मेरे पास ना पैसे नहीं थे उस टाइम, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मेरे हस्बैंड के पास था मोबाइल, लेकिन उसमें उतना स्पेस नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो हस्बैंड को मैं नहीं कह पाई कि मेरे लिए मोबाइल ख़रीद दो, क्योंकि वो तो पहले शुरू से ही वो मना कर रहे थे मुझे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा और उसने हाँ बोला, पहले मैं पैसे दूंगी तुम खरीद लेना, लेकिन बाद में वो नहीं दी। तो फिर हस्बैंड, मैं थोड़ा सा दुखी हो गई। तो हस्बैंड ने फिर कहा कि चलो मैं ख़रीद देता हूँ, अगर मन है तो कर लेना। तो ऐसे करते करते मैं हस्बैंड को मना ली पूरा, फिर वो मेरे सपोर्ट में आ गए। तो फिर ना मोबाइल ख़रीदे हम लोगों ने 8 तारीख को, 8 तारीख को मैंने मोबाइल ख़रीदा और 9 तारीख को ही मैंने अपना फर्स्ट जो वीडियो था वो डाला। और सबसे फर्स्ट ना मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि एडिटिंग में जो साउंड होता है उसको भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का करते हैं, मतलब बढ़ाया जाता है थोड़ा सा साउंड, तो वो नहीं था मेरा। तो पहला वीडियो जो था ना वो बहुत ही ख़राब बना था, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था एक, तो ना उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा था, कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो ना वो उसको मैंने डाला यूट्यूब पर। पहले तो यूट्यूब चैनल जो भी प्रोसेस होता है वो बना लिया मैंने, फिर वीडियो डाला। तो ना वीडियो डालने के बाद ना रात को मैंने देखा, और रात को मतलब बीच बीच में देखती थी, लेकिन जीरो व्यूज़ हमेशा जब देखो बस जीरो जीरो दिखा रहा था। फिर ना शाम तक मैं, शाम में जब मैं देखा ना तो उसमें 2 व्यूज़ थे, तो खुशी हुई कि चलो कोई तो देखा। तो फिर ना मेरी एक भांजी हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रही है आपके वीडियो में। तो उस वीडियो को मैंने ना डिलीट कर दिया था, और वीडियो को डिलीट किया और फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ। और फिर से मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। तो रात को टाइम हो रहा था, 11-12 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने ना बनाने के लिए मैंने सोने दिया सबको। फिर ना बस हस्बैंड मेरे नहीं सोए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अकेली क्यों बनाओगी किचन में। मैं सोच रही थी कि मैं किचन में बनाऊँ, क्योंकि किचन में कोई आता जाता नहीं है मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो तुम रूम में ही बनाना, मैं हूँ मेरे सामने ही बनाना, तभी तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा, मतलब लोगों के सामने तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए अगर आप वीडियो बना रहे हो। तो फिर मैंने ना बहुत मुश्किल से उनके सामने ना इस तरह ट्राइपॉड को रखकर, मोबाइल को रखकर ना फिर मैं बोलना चाहती थी, मतलब बोलती थी। फिर ना हस्बैंड कहते थे कि ऐसे बोलोगी तो कौन देखेगा, ऐसे बोलोगी, मतलब ऐसे करते 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 1-2 घंटा मेरा निकल गया। और फिर भी मैं, मतलब ऐसा होता है ना अगर एक ही चीज़ को आप बार बार बोलोगे ना तो वो चीज़ सच में गड़बड़ हो जाती है, फिर अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर ना मैं गुस्सा हो गई और फिर मैंने उस रात नहीं बनाई कोई भी वीडियो। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे मैं बनाती गई बनाती। और आपको बता दूं गाइस, मैं ना हिंदी भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि हिंदी भी नहीं आता था मुझे, क्योंकि हम लोग ओड़िया हैं, हमारी पढ़ाई भी, एजुकेशन भी ओड़िया है और हमारी बातचीत भी ओड़िया है, संबलपुरी जो कि। तो बस तो हिंदी मैंने ना बहुत मुझे मुश्किल हो रही थी हिंदी बोलने में, फिर भी मैंने ना बहुत कोशिश की और फिर हो गया। फिर भी कभी कभी एक एक वार्ड ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं बोल पाती हूँ, आप लोग जान ही रहे होंगे मेरे तो वीडियो देखते हो। तो बस ऐसा हुआ। और फिर ना कभी भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे मेरे, 59 सब्सक्राइबर थे। तो उस टाइम मुझे ना मतलब 2 महीना हो चुका था मेरा यूट्यूब चैनल खोले हुए, और मेरे 59 सब्सक्राइबर थे उस टाइम, 2 महीने के टाइम। तो फिर मैंने लाइव के बारे में देखा, लाइव लोग लाइव आते थे, तो
ऐसे करते करते ना मैं भी उनको ज्वाइन करने लगी। और वहाँ पे ना अगर आप लोग ना हेलो हाय बोल दोगे ना तो फट से सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे। लाइव में जब आप जाओगे ना तो फट से सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि चलो अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो चलो मैं लाइव आती हूँ। और मैं हमेशा ना रोज़ की रोज़ मेरा काम जो होता था वो निपटा के फिर मैं लाइव आ जाती थी। लाइव मतलब मैं खुद नहीं आती थी, मैं किसी के लाइव में जाकर ज्वाइन करती थी। ऐसे करते करते मैंने 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे कर लिए थे 3 महीने में। तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद ऐसा होता है ना कि वॉच टाइम नहीं हो रहा था मेरा। सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए थे लेकिन वॉच टाइम नहीं हो रहा था। तो वॉच टाइम के लिए और जो लोग भी लाइव में सब्सक्राइबर करते हैं ना उन लोगों का वॉच टाइम कभी पूरा नहीं होता, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग जो न्यू यूट्यूबर हो ना, आप लाइव में आना बेकार की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोग लाइव में आपके सब्सक्राइबर बनते हैं, आपके फ्रेंड बनते हैं, वो लोग उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता आपकी वीडियो में। तो इस वजह से ना अगर हो सके तो आप लाइव मत आइए, लाइव में जाके सब्सक्राइबर मत बढ़ाइए। आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो डालिए ताकि आपके व्यूज़ बढ़े, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर तो अपने आप ही बढ़ते हैं, ये बात तो पक्की है। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे लेकिन मुझे देख रहे थे सिर्फ 50 या 60 लोग, और कभी कभी तो उतने भी नहीं होते थे, 20-30 लोग देखते थे। तो मुझे बड़ा मतलब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब दिमाग में आता था कि कैसे करूँगी क्या करूँगी। तो ना मैं बहुत सारे जो यूट्यूबर लोग हैं ना जितने भी बड़े बड़े, सबको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी मैंने कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए मेरी, तो हो जाए मेरी, तो किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। बस एक हैं जो ओडिया जी है स्वप्ना बोल के, तो उन वो दीदी को मैंने ना एक बार इंस्टाग्राम पर कहा कि दी ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो उन्होंने ना फट से हाँ कहा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने हिंदी चैनल में आपका जो वीडियो है शेयर कर दूंगी। तो बस मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस उन्होंने शेयर कर दिया था मेरे जो वीडियो का लिंक मैंने दिया था उनको, तो उन्होंने शेयर कर दिया। तो उनसे मुझे ना 30-40 जो सब्सक्राइबर थे वो आ गए थे मेरे, और कुछ व्यूज़ भी बढ़ गए थे, कुछ मतलब यही कोई 500 व्यूज़ बढ़े थे, ज़्यादा नहीं। तो बस फिर भी मैं बहुत खुश थी कि चलो उतने ही सही, नए नए में उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1-2 व्यूज़ के जगह अगर 300-400 भी हो जाए ना तो बहुत खुशी होती है। तो बस ऐसे हुआ, फिर मैंने देखा कि उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। और मैं ना हर जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, उन सब की जो जर्नी होती है वो देखती थी कि वो लोग कैसे मतलब छोटे से बड़े कैसे बने, मतलब स्टार्टिंग का वीडियो उनका कैसा था, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कैसे आई उन लोगों में, तो ये सब मैं देखती थी। तो इस तरह से मैं खुद कोशिश की कि मैं भी कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ अपने जो मतलब वीडियो है, अपना जो बातचीत है, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से दिखाऊं लोगों को, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे देखने में। तो बस और ऐसा करते करते ना फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दी के बारे में, जो सपना दी जिन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया था, उनके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने पहले उनको पूछा, क्योंकि बिना पूछे मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं बना सकती। तो पहले मैंने उनको कहा, दी एक लाइव में आई थी एक बार, तो मैंने दीदी से कहा कि स्वप्ना दी आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, तो क्या मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ आपको लेकर, आपके टॉपिक में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बनाओ। तो बस मैंने ना फिर उनके लिए एक वीडियो बनाया जो कि मेरा वायरल हो गया था। वायरल मतलब हाँ यही कोई 60-70 हज़ार व्यूज आ गए थे वहाँ उस वीडियो में। तो वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे थे। तो बस धीरे धीरे करते मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और मेरे वॉच टाइम जो है मेरा पूरा हुआ नवंबर, हाँ मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ नवंबर को, 29 नवंबर को मेरा जो वॉच टाइम है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मुझे 4 महीने लगे मुझे अपना वॉच टाइम पूरे करने में। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर तो पहले से ही पूरे हो गए थे, तो 4 महीने लगे। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया और 29 नवंबर को मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। तो फिर ना मैंने डाला मतलब अप्लाई किया
मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये सब प्रोसेस भी ना मुझे बहुत मतलब जानने में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर भी मैंने देख दाख के मतलब यूट्यूब में सर्च करके फिर मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। फिर मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो मैंने किया 29 नवंबर को, और ये 1 दिसंबर को मेरा जो है मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और फिर जो है मैंने रोज़ रोज़ वीडियो डाले, और फिर एक महीने में ही मेरा जो डॉलर था वो 100 डॉलर से ऊपर हो गया था। तो पिन आना था मुझे, तो मैंने ना जब हर महीने की 12 तारीख, जैसे कि आप लोग जनवरी का जो भी आपका इनकम होता है वो फरवरी 12 तारीख को आपके एडसेंस में चढ़ता है, मतलब अपडेट होता है एडसेंस अकाउंट में। तो फिर मेरा जनवरी का जो है December 1 से लेकर मेरा January 12 तारीख को मेरा एडसेंस में हो गया था, मतलब चढ़ गया था कि मुझे कितने मिलने वाले हैं पैसे। तो मेरा 100 से ऊपर हो गया था। तो जब भी YouTube ना 100 से ऊपर हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो उस टाइम मेरा पिन नहीं आया था जो कि एड्रेस वेरीफाई के लिए YouTube भेजता है, तो वो पिन डालना था मुझे। जब $10 हो जाते हैं एडसेंस में तब डालना होता है, लेकिन मेरे ना डायरेक्ट पूरा 100 से ऊपर हो गए थे। तो फिर ना जब पिन के लिए मुझे वहाँ ऑप्शन मिला, जब मेरे एडसेंस में 100 मतलब डॉलर जमा हुए, तो फिर ना मैंने अप्लाई किया। फिर 15 तारीख को एक मेल आया मुझे कि हम लोग मतलब वहाँ लिखा हुआ था, जो पिन वेरिफिकेशन था वहाँ पे लिखा हुआ था कि 15 तारीख को हमने आपका जो पिन है वो पोस्ट कर दिया है, आपको 2-4 हफ्ते में मिल जाएंगे। तो बस मैं वेट करती रही और मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था $100 से ऊपर, तो बस पिन आने का ही बाकी था मेरा, क्योंकि पिन आने के बाद तुरंत ही मुझे वो पैसे मिल जाते। तो बस मैं वेट करती थी और 1-2 हफ्ते हो गए थे, तो ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं पिन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो बस मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गई, और मुझे भी लगने लगा था कि शायद ये सब झूठी बातें होती हैं, YouTube कोई पैसा वैसा नहीं देता है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब दिमाग में आ रहा था। और इसके लिए मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए थे, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ऐसा करते करते ना फिर एक दिन फरवरी 3-4 तारीख को जो है मुझे पिन जो है रिसीव हुई, और पिन मुझे दोपहर को मैंने वीडियो एडिटिंग कर रही थी, और 1-2 बार मैंने तो हस्बैंड को भी भेज दिया था पोस्ट ऑफिस की जाओ देख के आओ कि शायद आ गया होगा, शायद वो लोग नहीं दे रहे होंगे, तो ये सब मैं बोलती थी। तो वो ना गए थे, 1-2 बार गए भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं पिन नहीं आया, अगर आएगा तो हम खुद ले जाएंगे आपके घर। तो फिर बस इस तरह से निराश हो गई थी। तो एक दिन मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, 3 तारीख था उस दिन, तो दोपहर के टाइम था, दोपहर का यही कोई 2-2.5 बजे होंगे, तो एक के पोस्टमैन आए और बोले कि कार्ड आया है, तो मुझे लगा कि शादी का कार्ड है, तो किसके नाम पर आया है, तो नहीं तनुजा दास आपके नहीं तनुजा के नाम पर आया है। तो फिर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैंने वो कार्ड ली और देखा, तो फिर वहाँ पे ना गूगल एडसेंस बोल के लिखा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हो गई, और फिर ना हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया तुरंत ही कि ऐसे ऐसे आ गया है मेरा पिन, तो वो भी बहुत खुश हो गए। और फिर दूसरे दिन ना मुझे एक मेल आया कि मतलब एडसेंस की तरफ से कि हमने आपका पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया है आपके बैंक अकाउंट पर, आप जाके चेक कर लो, और अगर आपको 5 दिन के अंदर नहीं मिलता है पेमेंट आपका, तो आप मतलब हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह का मेल आया था, तो ना मैं वो मेल पढ़ी थी, लेकिन ना मैं उस टाइम उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि ये मुझे पैसे मतलब पेमेंट का ही मतलब आया है मेल बोल के। फिर 3-4 तारीख शाम को ना हस्बैंड ने फ़ोन किया कि मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया है
कि तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उस नंबर से मैसेज आया है कि तुम्हारे पैसे, कुछ पैसे का मैसेज आया है कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट किया गया है, तो मैं जान गई कि ये मेरा यूट्यूब का ही पैसा है और मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन सच बताऊं गाइस, मैं ना पेमेंट आने पर जितना खुशी नहीं हुई मुझे, उतना ना मुझे पिन आने पर हुई, क्योंकि उसके लिए मैं ना बहुत ज़्यादा बेताब थी कि पिन कब आएगा, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और एक बात मैं भूल गई आप लोगों को बताना, और वो बात है ना, जब भी आप एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं ना, जब कार्ड अपना जो अपलोड करना होता है पिन के लिए, पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है, तो वो पैन कार्ड मैंने एक बार अपलोड किया ना, तो वो फेल हो गया था मेरा, तो वो बात ना मैं भूल गई थी बताना आपको। तो आप ना अच्छे से पैन कार्ड को जो है अपलोड करना, नहीं तो वो कैंसिल हो जाता है। तीन बार ही उसका जो होता है, तीन बार ही उसका प्रोसेस होता है। अगर तीन बार आपका फेल हो गया ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चौथी बार का। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आपको कि अच्छे से आप लोग उसको अपलोड करना, अगर आप लोग कभी भी ये टाइम आएगा तो, अगर आप लोग यूट्यूबर हो तो। तो बस ये सब प्रोसेस था मेरा, और फिर मैं बताती हूँ कि आप लोग बेचैन हो रहे होंगे कि दी पेमेंट कितना आया सुनने के लिए, तो फिर मैं बताती हूँ कि मुझे पेमेंट कितना आया। तो मेरा पेमेंट उतना है जितना ये फ़ोन का, ये जो स्क्रीन पर फ़ोन आपको दिख रहा है ना, इसका जितना रेंज है ना, जितना प्राइस है, मुझे उतना ही पेमेंट आया है। तो आप इसको देख लो और जान लो कि मुझे कितना प्राइस मिला है, सॉरी कितना पेमेंट मिला है। तो बस गाइज, यही था मेरा यूट्यूब जर्नी, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देते, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते ना, तो ये सब कभी, मतलब ये सब कभी नहीं होता। ये सब आप लोग की वजह से ही हुआ है, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरी इतनी सपोर्ट किया और मुझे इतना आगे बढ़ाया। और ये नहीं कह सकती हूँ, सबसे पहले ना मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये यूट्यूब नहीं कर पाती, क्योंकि घर पे ना बहुत सारे लोग जो है मेरे खिलाफ थे कि ये सब क्या कर रही है, ये सब घर की बहू है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड की वजह से ही मैं ये सब कर पाई हूँ, और हस्बैंड साथ नहीं देते ना, तो ये सब कभी नहीं हो पाता। और दूसरी नंबर पर आप लोग हैं जो कि बहुत इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और मेहनत और भगवान का भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है कि मुझे आज ये कामयाबी मिली है, और मैं एक अच्छे यूट्यूबर बन पाई हूँ और सक्सेस भी हुई हूँ। तो ज़्यादा बड़े ही सक्सेस तो नहीं मिली है, लेकिन धीरे धीरे करके ही सब कुछ होता है, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही परफेक्ट होता है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो बस आज का मेरा यूट्यूब जर्नी इतना तक ही था, और आप लोग को थोड़ा सा हिम्मत भी मिली होगी। जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई बहन हैं जो कि न्यू हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, आप करते रहो, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप लोगों को भी सक्सेस मिलेगी, और आप लोग का भी वीडियो एक ना एक दिन वायरल होगा ही होगा, क्योंकि यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है कि एक ना एक दिन सबका जो वीडियो है वायरल होता ही होता है, भले ही थोड़ा देर ही लगेगा, किसी का देर होता है, किसी का लेट में होता है, किसी का जल्दी होता है, लेकिन होता ही होता है। आप लोग हिम्मत मत हारना, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब लोग ये सब झेलकर ही आगे बढ़ते हैं, कोई भी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है, सब लोगों को ये सब सामना करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मुझे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ये रिपीट कर रही हूँ मैं, क्योंकि पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ, और वीडियो के शेयर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।